Hey guys, today I will discuss about differentiation. तो जो differentiation का topic है ये mathematical physics का या कहा जाए पूरे ही physics में बहुत ही ज़्यादा important topic है और ये students को बहुत परेशान करता है क्योंकि students generally formula याद कर लेते हैं but उनको उसका physical interpretation नहीं पता होता कि actual में differentiation होता क्या है. तो आज हम इस पर ही बात करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक function है जिसमें x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. कोई सा भी फंक्शन हो सकता है बट मान लीजिए हमने एक फंक्शन ले लिया कुछ इस तरीके का है जो कोई सा भी फंक्शन हो सकता है. ये है, इसमें हर एक x की वैल्यू के लिए हमारे पास y की एक वैल्यू है. इस फंक्शन पे, इस प्लॉट पे हमने एक पॉइंट ले लिया a. मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट. मान लेते हैं कि हमने x की वैल्यू में कोई सा चेंज किया, मान लेते हैं डेल्टा x. तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर x की वैल्यू में चेंज होगा तो y की वैल्यू में भी चेंज आएगा. तो अगर हमने x की वैल्यू में चेंज किया तो मान लेते हैं y की वैल्यू में भी चेंज आया डेल्टा y. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट b और a के कोऑर्डिनेट हमें पता थे x, y. y के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y. तो अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पता करना हो इस इंटरवल ab में तो हम उसको कैसे निकालेंगे. तो वो क्या होगा, वो होगा इस लाइन ab का स्लोप. तो उसको भी निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं. उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. या तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है कि किसी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना हो, अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो यहाँ y2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, y प्लस डेल्टा y. y1 के कोऑर्डिनेट्स हैं y, तो y2 माइनस y1 विल बी डेल्टा y. सिमिलरली x2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा x. x1 के कोऑर्डिनेट है x, तो उसी तरीके से x2 माइनस x1 विल बिकम डेल्टा x. एक तरीका और है कि हम tan थीटा फाइंड कर लें, वो भी हमें इस AB लाइन का स्लोप दे देगा. उसको कैसे करेंगे, tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इन ट्रेंगल ABC परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज AC, परपेंडिकुलर इज व्हाट, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. सो बोथ वेज आर करेक्ट, दोनों तरीके से ही पता कर सकते हैं. लेकिन मान लीजिए हमें पता करना हो कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पता करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मान लीजिए हमें पॉइंट ए पे हमको पता करना है कि y कैसे चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में. उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने कोई एक छोटा इंटरवल लिया, डेल्टा एक्स को और छोटा ले लिया, मान लीजिए यहाँ तक कर दिया, फिर और डेल्टा एक्स को छोटा कर दिया, सच डैट कि डेल्टा एक्स कब तक छोटा कर दिया जाएंगे, जब तक डेल्टा एक्स जीरो को अटेंड करने लगे. फिर एक समय आने के बाद क्या होगा कि ये जो स्लोप है टेन थीटा इस लाइन ए बी का, वो किसको अप्रोच करने लगेगा. अगर इस ए पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका जो स्लोप होगा उसको ये टेन थीटा अप्रोच करने लगेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो. अगर हम इस डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स फंक्शन में डेल्टा एक्स को जीरो टेंड कराएं, टेंडिंग का मतलब इक्वल टू जीरो नहीं होता है, मतलब ये जीरो के आसपास है, बहुत छोटा है, चाहे राइट हैंड साइड से कराएं चाहे लेफ्ट हैंड साइड से कराएं, बट यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से करा रहे हैं. तो इसी को कहा जाता है कि हमें पता चलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए पार्टिकुलर पॉइंट. यहाँ पे पार्टिकुलर वो पॉइंट कौन सा है, ए. तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो इसका अगर हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो वो क्या होगा कि ये हमें क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई या रेट ऑफ चेंज ऑफ वन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू अनदर कोऑर्डिनेट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट. टेंजेंट का जो स्लोप होगा, जैसे इस ए पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका जो स्लोप होगा ए पे, इसी को क्या कहा जाएगा, डिफरेंशिएशन कहा जाता है, या कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए पार्टिकुलर पॉइंट. अगर
वाई इन अगर एक्स के इंक्रीज होने पे वाई भी इंक्रीज होता है तो जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। इसको पता करने का एक और तरीका है कि ये जो एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है वो एक्यूट एंगल है, आप देख सकते हैं, और टेन थीटा 0 से 90 के बीच पॉजिटिव होता है, तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। अगर एक्स के इंक्रीज करने पे वाई डिक्रीज करता है तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, निगेटिव होगा। उसको देखने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरीके का है और हमें इस पॉइंट पर मान लीजिए पता करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए एंगल जो है ऑब्ट्यूज होता है, और आप जानते ही हैं कि टेन सेकेंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, तो जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, निगेटिव है। और हमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जनरली जो गिवन होते हैं, अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनमें से कुछ को ड्राइव भी कर सकता हूँ, या मैं उनको सिंपली आपको बता देता हूँ। इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से, डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको फिजिक्स के नज़रिए से देख रहे हैं तो हम सिंपली आपको फॉर्मूला दे दे रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्रक्स था इसका कि डिफरेंशिएशन हमको बताता है एक्चुअली में क्या है, तो वो हमको बताता है कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है। तो हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले। अगर जैसे हमको वाई की वैल्यू दी हुई है एक्स टू द पावर एन, तो डी वाई बाई डी जो उसका डिफरेंशिएट होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। मान लीजिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे साइन एक्स दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, जैसे कॉस एक्स दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, अगर टेन एक्स दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स दिया हुआ है तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, अगर कॉट एक्स दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर हमें लॉग दे रखा है, नेचुरल लॉग दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर एक्स, और हम अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सबसे सिंपल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया जाता है। डिफरेंशिएशन के कुछ और भी रूल्स होते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।